निकाय में मतदान को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया। जिले की 3 नगरपालिकाओं और 2 नगर पंचायतों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। इस बार सभी पोलिंग पार्टियों में एक महिला कर्मचारी की तैनाती भी की गई है। रविवार को निकायों में होने वाले मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो चुकी हैं। निकाय चुनाव में मतदान के लिए जिले भर से 69 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 21 अति संवेदनशील और 26 संवेदनशील श्रेणी में हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि मतदान में लगे कर्मचारियों को 3 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर अभ्यास के बाद सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों की ओर रवाना कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, साथ ही रविवार को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारा जो है करीब 5 नगर निकाय है, उसमें से अराउंड 69 पोलिंग बूथ्स है। तो वहाँ पे विभिन्न श्रेणियों में जैसे अति संवेदनशील और संवेदनशील श्रेणियों में भी जो है अराउंड 30 बूथ्स है। तो वहाँ पे जो है पूरा सुरक्षा को लेकर के और विभिन्न जो मतदान का जो आवश्यकताएं होती है, ये सारा तैयारियों हमने कर लिया है। और आज जो है पोलिंग पार्टीज अपने पोलिंग केंद्र के तरफ जो है मूवमेंट भी करेंगे। उनको आज एक मॉक अभ्यास भी किया हुआ है, एक एंटायर मतदान का प्रक्रिया को जो है उनको समझाया है। पहले 2 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं, आज तीसरी बार जो है ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।